हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOEC आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, डेट है इसकी 27 नवंबर, टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। Have you ever suffered by acidity caused due to overeating? क्या कभी आपको एसिडिटी हुई है, एसिडिटी से परेशान हुए हो overeating के कारण? क्या होता है कई बार हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब कभी कभी होता है ना खाना बहुत टेस्टी लगता है, खाना बहुत टेस्टी बनता है तो हम overeating कर लेते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत होती है भूख होती है उससे भी ज़्यादा पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही, हम ऐसे कहते हैं ना। तो इस तब क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट योर फैमिली मेम्बर। तो इसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि एसिडिटी कैसे होती है, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आर स्टमक। तो अब ये तो आपके पेरेंट्स बता देंगे, बड़े बता देंगे कि उन्हें एसिडिटी कैसी होती है, मतलब उसका दर्द कैसा होता है, क्या फीलिंग होती है। लेकिन अब आपका रोल क्या है, आपको ये बताना है ये कैसी कंडीशन होती है, मतलब किस वजह से होती है। एसिडिटी होती तो पेनफुल कंडीशन है, अब ये होती क्यों है, होती किस वजह से है, रिलीज ऑफ एसिड इन आर स्टमक। हमारे स्टमक में, हमारे पेट में ज़्यादा एसिड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारे पेट में एसिड बनने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। देखो इसीलिए तो उसे एसिडिटी कहते हैं ना, एसिड ज़्यादा बन रहा है। लेट अस थिंक व्हाट कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑफ आर्म स्टिंग, दीज ऑल आर ड्यू टू आइदर सम ऑफ काइंड ऑफ एसिड और बेस। अब कई बार क्या होता है जब चींटी काट लेती है, ठीक है, तो उससे बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब होते हैं ना जल चिरमराहट सी होती है, जलने जैसा होता है, ठीक है। क्यों होता है ये सब चीज़ें, ये जो एसिडिटी हुई है या चींटी के काटने से, ये एक तरीके के एसिड या बेस होते हैं। अब पढ़ते हैं इसे एक एक करके। सबसे पहले इनडाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट जो है, हमारे पेट एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में हमारे जो खाना होता है, हमारे पेट में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा पेट क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और ये उसका काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, खाना को पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। पर अगर ये एसिड बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। मतलब कहते हैं ना किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, कि वो होती है। तो एसिड का काम जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम तो ये है खाने को डाइजेस्ट करना, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब यही एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जब ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है या इनडाइजेशन होता है। इसी तरीके से आंट स्टिंग, अब चींटी काटे पे क्या होता है, द स्टिंग ऑफ द आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था जो चींटी का स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन आंट बाइट्स, जब आंट चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में वो एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, ठीक है। इट कॉजेज बर्निंग इन द स्किन, तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन में बर्निंग सेंसेशन होती है। अब है सॉइल कंडीशन, अब देखो सॉइल कंडीशन पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट्स अच्छे से उगते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं, व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। या तो अगर जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो भी नहीं ग्रो करेंगे, और बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी ग्रो नहीं करेंगे। इसी तरीके से फैक्ट्री वेस्ट के बारे में देखते हैं, द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रियों का वेस्ट निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर उन्हें ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाए उन वेस्ट को, तो क्या होगा, फिशेस जो और पानी के जानवर जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, क्योंकि उसमें एसिड होता है, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे, ठीक है। सो ऑल दीज कंडीशंस आर
अनवांटेड एंड हार्मफुल। तो ये जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, फैक्ट्री वेस्ट के बारे में, सॉइल कंडीशन के बारे में, आंस्टिंग के बारे में, इंडाइजेशन के बारे में, ये सारी क्या है, अनवांटेड है। हम चाहते हैं कि हमें एसिडिटी हो नहीं ना, या हार्मफुल होती है, जैसे फैक्ट्री का वेस्ट अगर गया है तो पानी वो हो जाएगा। दस दिस शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। तो इन्हें ठीक कैसे किया जाए, ठीक है, इनको ठीक किया जाना चाहिए। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। देखो आप टीवी में कई बार ऐड देखते होंगे, एसिडिटी प्रॉब्लम, ये वाली गोली खा लो या ये खा लो, इनो पी लो, ये पी लो। तो लेकिन ये करता क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है, ये कैसे ठीक होती है, तो वो देखते हैं। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू द इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। हम जो हमारी पेट में एक्सेसिव एसिड बना, मतलब बहुत ज़्यादा जो एसिड बन गया है, ठीक है, वो उसे क्या हुआ, इंडाइजेशन हुआ, उसको हमें क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, उसे मतलब कम करना होगा, मतलब बराबर करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हम एंटासिड ले सकते हैं। अब एंटासिड क्या होता है, एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस। एंटासिड क्या होता है, माइल्ड हल्का बेस होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो उससे क्या होता है, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, ठीक है, माइल्ड बेस है। और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, एक्सेसिव एसिड हो गया, तो एसिड को जब मैं बेस के साथ न्यूट्रलाइज करूँगी, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, जब एसिड को बेस के साथ मतलब आपस में मिला दूंगी तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगी, जो जितना एसिड होगा, बहुत ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में बनता है, तो मैं उसको बेस के साथ मिला के उस एसिड को ख़त्म करूँगी, कम कर दूँगी, ठीक है, जितनी, तो उससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जो आंस्टिंग का हमने पढ़ा था कि जो चींटी जो है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है, हमारी लिक्विड वो अपने एसिड को हमारी जो स्किन है उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो उसका क्या इलाज है। द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू आंट स्टिंग इज न्यूट्रलाइज। अब उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसको रब करके अपने स्किन पे हम बेकिंग सोडा रब करेंगे। अब उसको करने से क्यों फ़र्क पड़ा, क्योंकि सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। या तो बेकिंग सोडा हम कर दें उसमें, या कैलामाइन सॉल्यूशन हम रब कर दें। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, दीज आर माइल्ड बेस, ये भी बेस होते हैं, ठीक है, ये एसिड, ठीक है, क्योंकि उसने चींटी ने काटा तो चींटी में फॉर्मिक एसिड हुआ और हमने उसको बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले तो क्या हो गया, सॉइल जो है एसिडिक हो गई। अब सॉइल एसिडिक हो गई तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बेस करना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस। अब इसमें किस तरीके के बेसिस, लाइक क्विक लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड हो, या स्लेक लाइम जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। अब ये तो थी जब सॉइल जो है एसिडिक हो गई हो। अभी हमने पढ़ा था कि सॉइल बेसिक, अगर बेसिक भी हो जाए ज़्यादा तो भी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी मतलब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाए ज़्यादा तो क्या करेंगे हम उसको, फिर हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए। अब देखो ये बेसिक है, बेस है, तो बेस पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑब्वियसली यस एसिड, मैं इसमें एसिड डालूंगी। तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, तो ऑर्गेनिक मैटर डालूंगी। ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, एसिड होता है विच न्यूट्रलाइज द बेसिक मैटर ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब है फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट का हमने क्या पढ़ा था, फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। अब इसमें जो एसिड था, एसिड के लिए मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ज़रूरत है, बेस की ज़रूरत है, तो मैं इसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस डाल दूंगी पानी में डालने से पहले, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर उसका सारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट है व्हाट इज़ इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन क्या होता है बेटा, तो हमने पढ़ा है इंडाइजेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा पेट में एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज करने लग जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो इंडाइजेशन होता है। तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इज द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटासिड। एंटासिड क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा है एंटासिड हम किस लिए लेते हैं, इंडाइजेशन के लिए लेते हैं ना। तो एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच अ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड क्या होती है, एक माइल्ड सा बेस होता है जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो ये है सेकेंड का आंसर। नाउ थर्ड है डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज आंट स्टिंग। आंट के स्टिंग को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमने पढ़ा था एक तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा चाहिए, और या फिर कैलामाइन सोल्यूशन। तो बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल को आप कैसे ट्रीट करोगे, अभी हमने पढ़ा है बेसिक सॉइल में। अब देखो बेसिक है तो हम उसमें क्या करेंगे, एसिड ही मिलाएंगे, और एसिड किस में, ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो इसका आंसर है इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर फोर्थ का ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अगर आप चैनल इसको लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।